नमस्कार शिवानी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम तोरई चना दाल की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं तोरई चना दाल की सब्जी के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। तोरई इसके छिलके निकाल के हमने धुल के इसे गोल पीसेस में काट लिया है। प्याज, टमाटर, चने की दाल, हरी मिर्च, अदरक, सब्जी बनाने के लिए तेल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, राई, जीरा, गरम मसाला और नमक। चलिए हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अब हम कढ़ाई कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे और इसमें अब हम जीरा डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस कलर चेंज होने तक ही भूनना। हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा हुआ सौंफ और गरम मसाले। हम मसालों को मिलाते हुए अच्छे से चलाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें चना दाल डालेंगे। चना दाल को हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था, ये अच्छे से फूल गई है। अब चलाते हुए इसको ऐसे ही 2 मिनट तक पकाना है। हमने चना दाल को 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें तोरी डालेंगे।
हमें तोरई की सब्जी में पानी नहीं डालना है, इस पानी इसी से निकलेगा और ये इसी से पकेगी। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। हाँ, देखिए तोरे पानी छोड़ने लगी है। अब हम इसे ढक के पकाएंगे, वैसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। चलिए हम आपकी सब्जी को आप चेक कर लेते हैं। देखिए पानी सब्जी ने कितना पानी छोड़ा है। अभी हमारी सब्जी पकी नहीं है, थोड़ी देर ढक के और पकाएंगे। हमारी सब्जी बन करके तैयार है। अब आप इसमें एक मैजिक डालेंगे, मैजिक मतलब मैगी मसाला। मैगी मसाले से खाने में टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हमारी सब्जी तैयार है, अब हम इसे बाउल में डालेंगे। हमारे तोरई चना दाल की सब्जी तैयार है, एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।